ऑलराइट, सो वेलकम टू माई चैनल, दिस इज गणेश। और आज हम लोग चेक करने वाले हैं डोमिनार 400 के जो नए एक्सेसरीज आए हैं 2022 मॉडल के। तो डोमिनार इसमें फुल्ली लोडेड डोमिनार बोल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैं सोच रहा था कि जो ओल्ड ओनर्स हैं, जिनके पास ओल्ड बाइक्स हैं, उनको अगर ये चीज़ें लगानी हैं तो वो लोग कहाँ से खरीदेंगे, राइट? बिकॉज कुछ लोग थोड़े ऐसे सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे सर्विस सेंटर्स उतना अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं? सो एक मैंने वेबसाइट यहाँ पे देखी है, इसका नाम है 99rpm.com। ओके, सो इस वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है नए वाले डोमिनार का। और ये 400 250 दोनों पे लग सकती हैं आराम से, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, शुरू करते हैं। तो ये है बजाज की ओरिजिनल वेबसाइट, इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे विंडशील्ड लगी हुई है सामने की तरफ यहाँ पे, और ये लेग गार्ड जो है ये नया है, क्रैश गार्ड। फिर नीचे जो है ये बैश प्लेट नया है, और इसमें पीछे आप देख सकते हो ये सैडल स्टे है। मेरे ख्याल से सैडल स्टे बाद में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले नहीं था, रिसेंटली एक महीने पहले ही शायद ये लॉन्च हुआ है इसके अंदर। और पीछे वो बैक रेस्ट है छोटा सा, और पता नहीं किसका है वो है। और ये क्या बोलते थे, टॉप रैक भी है इसके साथ अवेलेबल। साथ में यहाँ पे सामने एक अपना हैंड गार्ड्स के लायक तो नहीं है ये, विंड डिफ्लेक्टिंग हैंड गार्ड्स बोल सकते हैं हम लोग इसे। सो इतना जो है ये नया आया है इस गाड़ी के अंदर। और GPS माउंट वगैरह भी है जो इसमें नहीं दिखेगा इस फोटो में यहाँ पे। सो चेक करते हैं 99rpm पे अभी क्या क्या अवेलेबल है। तो ये इनकी वेबसाइट है मेन, इस पर बजाज और फियाट के पार्ट्स मिलते हैं। सो अगर आपके पास फियाट है पुरानी तो आप देख सकते हो इस पर। बजाज में घुसते हैं, बजाज में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल्ड, बहुत बहुत सीरियस वेबसाइट है यहाँ पे। मतलब आप एक एक वायर तक आपको यहाँ पे मिल जाएगी मोस्टली, और नहीं मिलेगी तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, यहाँ पे नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे इतनी सारी बाइक्स का ऑप्शन है मॉडल वाले सेक्शन में। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, सो ये है डोमिनार 400 का जो है ये टूरिंग एडिशन वाला एक नया इसमें भी आया मॉडल रिसेंटली मेरे ख्याल से। इसमें जाते हैं और पावर ट्रेन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल, बॉडी फेयरिंग्स में शायद आया होगा थोड़ा अपना कंफर्म करने के लिए। 21-22 मॉडल्स भी दिख रहे हैं इसमें, मतलब 21 वाले में लग जाएगा इसका हम लोग गारंटी है इसमें, ठीक है। मतलब 2019 में भी लग जाएगा क्योंकि सेम ही है सारी गाड़ियाँ। जिनको भी USD फोक्स आते हैं वो सब इसमें लगा सकते हो, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाला है इससे। मेरे ख्याल से सिर्फ GPS जो माउंट है, जो मेरे ख्याल से सस्पेंशन को यूज़ करता है, उसमें शायद से प्रॉब्लम हो सकता है 250 वालों को, क्योंकि उनका सस्पेंशन छोटा है। बट लेट्स सी कैसा उसका माउंटिंग, उसे समझ जाएगा उसमें तो। सो बेली पैन ये पहला आइटम है इसमें। इसके अलावा बॉडी फ्रेम तो नहीं चाहिए अपने को, कैरियर एंड बैकरेस्ट है, और क्लच, कूलेंट, क्रैंक केस, क्लच प्लेट्स, ये वो, सिलेंडर हेड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है पता है इसमें। सो इसमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। ये चेंजर, ये वो, हैंड गार्ड मिल गए, हैंड गार्ड, हेडलैम्प वाइजर मिल गया, और मोबाइल होल्डर, लेग गार्ड अगर आपको लगाना है भाई, आपने नहीं लगाया तो, क्योंकि ये वाले बहुत स्टडी है। मैंने शोरूम जाकर चेक किया था उसे, बहुत अलग ही क्वालिटी है, एकदम मस्त मोटा मोटा है। और रेडिएटर हो गया, ये सब तो है अपने पास, रियर फुट सेट्स, सारे गार्ड, रियर सस्पेंशन, सैडल स्टे, नाइस, स्टार्टर मोटर, स्टार्टर क्लच, स्प्रिंग आर्म, टूल किट, टाइमिंग चेन, USB चार्जर मिल गया। ओके, सो इतने सारे चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अब एक एक को देखते हैं कैसा है, क्या हाल है सबका। तो ये है अपना बेली पैन, जो गाड़ी के नीचे जो लगता है। तो बेली पैन के लिए आपको लगेंगे दो ब्रैकेट्स, जैसा कि आप देख सकते हो फोटो में, एक है फ्रंट ब्रैकेट ये वाली, और एक है ये रियर ब्रैकेट ये वाली। तो ये थोड़ी महंगी लग रही है उस हिसाब से देखने में, आप अगर प्राइस देख रहे हो नीचे, तो सिर्फ बेली पैन की जो असेंबली है ये वाली, यही 1500 रुपये की है, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रैकेट्स हैं, फ्रंट ब्रैकेट इज़ 230 रुपीज़ और रियर ब्रैकेट इज़ 114 रुपीज़।
बाकी सब अगर आप मतलब ऑफ कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा सारा बोल्ट वगैरह लगाने के लिए उसको, तो ये सब लगाते 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 कितना हो गया भाई 2281 जस्ट फॉर द बेली बैन, मतलब पूरा किट क्योंकि आपको लगाना ही पड़ेगा, पता नहीं अपने पास क्या है क्या नहीं है उसमें से, तो टू बी सेफ साइड 2281 में आपको बेली बैन मिल जाएगा। अब हो सकता है आपको लग रहा होगा थोड़ा महंगा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा आफ्टर मार्केट में जो जो फुल जो मेटल वाले आते हैं वो 3,800-4,000 के आसपास हैं, इवन मोर 4,500 तक भी आते हैं वो डिलीवरी होते होते। सो ये 2,280 विद डिलीवरी 250 रुपये पकड़ लो, 2,500 में तो आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा नॉट बैड। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, कैरियर पहले इसको डाल देते हैं, बाइक 9 में डाल देते हैं, ठीक है। है क्या मेरा इस पर याद नहीं मेरे को, है ये मैंने रियर ब्रेक पैड्स वगैरह भी एक बार डाले थे चेक करने के लिए, फ्रंट कैलिपर कंपोनेंट्स, ओके। सो ये एक हो गया, अब कैरियर एंड बैक रेस्ट, तो इसमें आप देख सकते हो ये छोटा सा बैक रेस्ट, पता नहीं क्यों इतना छोटा है, फिर ये कंपोनेंट है और ये अपना कैरियर, ये सब आएगा आपको 1500 बेस असेंबली और बैक रेस्ट। मतलब अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो वो छोटा सा बैक रेस्ट, मुझे नहीं लगता लोगों को लेना चाहिए वो, थोड़ा तो बढ़ा लो यार उससे कम से कम, तो आप ये 300-200 आप ये बचा सकते हो 500-600 के आसपास इसमें, सिर्फ आपको अगर वो टॉप रैक से मतलब ये वाले ये अजीब से टॉप रैक से तो ले सकते हो। ये भी आपको पड़ेगा 2,266 डिलीवरी पकड़ो 2,500, मतलब 2,500 हो जाएगा टोटल डिलीवरी के साथ, ठीक नॉट क्योंकि छोटा सा बैक रेस्ट भी देना गिफ्ट में, अगर वही आप हटा देते हो बैक रेस्ट आपको नहीं चाहिए तो आपका 1600 में काम हो रहा है, 1600 डिलीवरी पकड़ के 1800-1900 तक जाएगा, ठीक है नॉट बैड चलता है। और मेरे ख्याल से ये जो बोल्ट और हेक्स नट्स हैं ये शायद से डोमिनार में पहले से लगे होंगे आपके ओल्ड जो हैंड ग्रैब हैंड रेल्स जो होती हैं पीछे पकड़ने के लिए उसमें शायद मिल जाएगा आपको, ठीक है 1800 में हो जाएगा उसका आपका काम, तो इसको अपन पूरा ही पकड़ते हैं कि शायद लोग पूरा खरीदने क्या भरोसा, तो बाय इतना कर देते हैं इसको भी, ये भी गया कार्ट में। अब हैंड गार्ड्स, हैंड गार्ड्स वो सामने जो होते हैं कांच वाले अजीब से बनाए उन लोगों ने, थोड़ा उसको और सपोर्ट देना चाहिए था एलुमिनियम का, ठीक है 500-500 रुपये मतलब 1,000 तो आप ले ही रहे हो, तो थोड़ा और मेटल डाल के 1,500 भी कर दिए होते तो भी आपका केयरबीस के जो नकली वाले आते हैं 1,800 के आते हैं उससे तो सस्ता ही होता। सो प्लीज़ बजाज अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कर दो ये, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास अगर ब्लैक डोमिनार 250 है तो आप ये ब्लैक वाले ले सकते हो, अगर आपके पास ग्रीन वाली डोमिनार 400 तो आप ये ले सकते हो। यहाँ पे कटा उनका है जिनके पास डोमिनार 250 का रेड कलर का, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे रेड कलर में कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो ये एक देख लो शायद फ्यूचर में आ जाए। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे देखे थे पोस्ट जिसमें रेड कलर में भी ये सब लगा हुआ था, वो रेड डोमिनार 250 थी या रेड डोमिनार 400 थी क्या बता रेड में तो नहीं आएगी मेरे को डोमिनार 400, सो वो एक बात है। ये इसको हम लोग डाल लेते हैं इसमें सब लगा लगा के, ये हो गया 1200 रुपये, नॉट बैड 1200 रुपये, डिलीवरी 1500 पकड़ो 1500 में आ जाएगा दो हैंड गार्ड आपको, लेकिन फिर वही बात मेटल मेटल का वो एक जो अंदर एक होता है ना बॉर्डर जैसा होता है वो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए था, डाल लेते हैं अभी क्या कर सकते हैं। इसको डाल दिया, हेडलैम्प वाइजर पे जाते हैं भाई, हेडलैम्प वाइजर भी महंगा है, बहुत महंगा है एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो। इसका एक आपको एक स्पेशल एक कैरियर पहले ख़रीदना पड़ता है, इस कैरियर पे वो विंडशील्ड लगती है, और ये कैरियर जो है वो मेरे ख्याल से आपके हेड पे लगेगा ओल्ड वाले, ये जो माउंटिंग पॉइंट्स है यहाँ पे उसमें लग जाएगा ये वाले दो, ठीक है। तो वाइज़र सिर्फ 3,000 3,000 रुपये का सिर्फ ये कांच का वाइज़र है, हालांकि इसका नंबर प्लेट होल्डर वगैरह सब इसमें इंटीग्रेटेड आएगा, तो अच्छी चीज़ है नॉट बैड, बट 3,000 याद रखो। ये सब लगा लगा के फोम वगैरह देंगे वो लोग, मतलब उनको भी पता है गाड़ी वाइब्रेट होने वाली है। इतना हो गया, फिर कैरियर हो गया, सो ये हो जाएगा आपका 3,270 प्लस 200-250 डिलीवरी चार्ज पकड़ो, 3,350 का विंडशील्ड आपको पड़ेगा। आफ्टर मार्केट में अगर आप देखने जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये
2000 में मिल जाएगा। किसका? कार्बन रेसिंग का। उनका 2000 में या 2200 में मेरे ख्याल से विथ स्टेबलाइजर्स मिलता है, वो पूरा खतरनाक रहता है एकदम। और अगर आप वो भी ऑप्ट करोगे उसका नंबर प्लेट होल्डर, तो 2200 तक मेरे ख्याल से हो जाता है। उस हिसाब से ये 1300 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं, बट फिर वही बात है, ये ओरिजिनल का मज़ा अलग होता है। उसके लिए आप एक बार दे सकते हो 1300 रुपये, अगर आप सच में अगर आप चाहते हो कि आपका वो लुक आए, जो ओरिजिनल डोमिनर का जो लुक है, बहुत सही बनाया उन लोगों ने वो। और ये विंडशील्ड मतलब मुझे लग रहा है इफेक्टिव है, काम करेगी, क्योंकि इसको इधर एक छोटा सा बबल जैसा भी बनाया हुआ है। सो लगा लो यार, अगर इतनी महंगी गाड़ी ले सकते हो तो लगा लो, अच्छा ही लगेगा। मतलब बोलते ना, अरे मैंने उसको ऐड नहीं किया, लुल। तो इतना था, बाइट नाउ कर देते हैं इसको। अब आते हैं मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे देख लो भाई, ये बट बनाया अच्छा, कुछ भी बोलो बनाया बहुत सही है। मॉडलिंग और सब भाई कंपनी करती है तो अच्छा ही करती है यार। देखो झोल झपाट वाले काम नहीं, एकदम परफेक्ट। तो ये कहाँ लगता है? ये अपना जो सस्पेंशन का जो नट होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, डोमिनर 400 का अगर सस्पेंशन इतना मोटे मोटे हैं तो उसकी स्क्रू यहाँ आती है, ठीक है। डोमिनर 250 के सस्पेंशन थोड़े छोटे हैं, तो ये जो एंड पार्ट है ना, ये इधर इधर का डिफरेंस आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आप लोग टाइट वाइट करके उसको फिट कर ही लो उसमें, बट मेरे को लग रहा है ये थोड़ा 19-20 लगेगा 250 पे, बट हो जाएगा, पॉसिबल है, कर सकते हो। तो नॉमिनल 400 वालों के तो मज़े हैं। ओनली फॉर 2019 मॉडल है ये वाला जो GPS ब्रैकेट है, क्योंकि ये इस पे लगता है अपने USD फोक के बड़े वाले ब्रैकेट लगते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कितना पड़ेगा ये टोटल। 321 रुपीज़। अगर आप KTM का अगर आप ऐसा देखोगे तो सिर्फ वो लोग मेटल का वो बना के देते हैं, उसका ही कुछ 600, 700, 750 भी ले रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग तो 1000 भी ले रहे हैं खुशी खुशी में, डोंट नो वाई। तो उस हिसाब से चीप है, बहुत ख़तरनाक चीप है, ले सकते हो, परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। लेग गार्ड, अगर आपको लग रहा है कि आपको, आपने अगर लेग गार्ड नहीं लगाया है, वो कस्टम वाले जो बहुत ख़तरनाक हार्नेस जैसी होती है, अगर वो आपने नहीं लगाया है, ये लगा सकते हो आप, मतलब फेयरली गुड। और आई होप ये वाला इसका स्क्रू टूटने वाला इशू ना आए। मेरे फ्रेंड के 250 में तो अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कैसे लोगों के 400 में आ रहा है, शायद 400 ज़्यादा वाली होती होगी। तो इसमें है LH और RH के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसमें। LH का सेम ही है, दोनों के सेम है, वो टेंशन नहीं है। 1000 रुपीज़ का लेग गार्ड है, ठीक है, नॉट दैट बैड, मतलब कंसिडरिंग वो डबल प्रोटेक्शन दे रहा है आपको दोनों साइड से, चले 1000 रुपीज़ इज गुड। ये भी कर लिया ऐड। अब जाते हैं साइड सैडल स्टेप में, बहुत बहुत सही डिज़ाइन किया है एकदम, मतलब डोमिनर को एकदम सूट हो जाएगा ऐसा वाला डिज़ाइन किया है। इसके साथ ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स हैं, टॉप ब्रैकेट्स, ठीक है। एक चीज़ मैंने देखी कि इन लोगों को जो सेंटर में जो एक रॉड का एक सपोर्ट होता है वो नहीं है, मे बी ज़्यादा ये साइड से मेरे ख्याल से पकड़ रहा है तो काम चल जाएगा उसमें, टेंशन नहीं है। कितने का जाता है ये? LH RH दोनों साइड, मतलब आप अलग अलग भी ले सकते हो, सपोज आपको सिर्फ RH की ज़रूरत है ले सकते हो ऐसा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइड सारी गार्ड रखते हैं साइड में और एक ही साइड में लगाएंगे शायद, होते हैं ऐसे भी लोग भी होते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि वो सेपरेट खरीद सकते हैं इसको। ये आपको टोटल पड़ेगा 1500 रुपये का, 1500 रुपये इज क्वाइट गुड। हाइपर राइडर का जो आप देखोगे वो भी 2200 रुपये के आसपास आता है, तो 1500 इज नॉट बैड, डिलीवरी पकड़ के भी 1700 तक तो आ ही जाएगा, ठीक है, बाय नाउ कर लेते हैं इसको भी। अब जाते हैं हमारे लास्ट आइटम पे, USB चार्जर। अगर आपने बोबो का होल्डर लिया है या कुछ और लिया है जिसमें चार्जर होता है, स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने नई नई खरीदी है, 3-4 महीने वाली पुरानी वाली खरीदी है, डोमिनर 250 खरीदी है और आपको अगर चार्जर चाहिए तो आप ये लगा सकते हो, क्योंकि जेन्युइन एक्सेसरी है, उतना वारंटी का टेंशन नहीं रहेगा, ये शायद डायरेक्ट बैटरी पे भी लगेगा और क्लियर उतना नहीं है अभी फोटोज़, बट मेरे को ये देखना है इसमें कि ये ऑन ऑफ वाला स्विच वगैरह इसमें है कि नहीं, मतलब ढक्कन खोलने के बाद। ये सही है कि कैप स्प्रिंग पे लगी हुई है, अपने आप बंद हो जाएगी, ये भी अच्छा है। और ये इसका ब्रैकेट जैसा है कुछ, तो ये कहाँ लगता है मेरे ख्याल से, नो आइडिया कहाँ लगता है, इसको देखना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट और ये चार्जर,
मिला के होता है 657, डिलीवरी होते होते 800 हो जाएगा। तो अगर ज़रूरी होगा तो ही लेना, OEM एक्सेसरी ये सोच के लेना। ठीक है, सब ऐड कर दिया, अब देखते हैं हमारा टोटल बिल कितना हुआ है। ठीक है, बाप रे, इसको तो लगाने के लिए कितना सारा वीडियो बनाना पड़ जाएगा कंटेंट वालों को। ठीक है, कंटिन्यू शॉपिंग भाई। क्या भाई, ऐसा कीजिए, इसमें कार्ट में जाते हैं। ओके, सो कार्ट का टोटल हुआ है 12,594। ये तो सिर्फ पार्ट्स का प्राइस है, तो अगर आप इसको आप ऑर्डर करते हो, डिलीवरी का भी देख लेते हैं कितना लगता है इन केस अगर किसी को चाहिए तो। सो डिलीवरी आपको पड़ रही है इतने सारे आइटम्स की 1500 रुपीज़ के आसपास, मेक्स इट टोटल 14,000 रुपीज़। तो 14,000 रुपीज़ में क्या ये वर्थ है, ये आप डिसाइड करो, आपके पैसे हैं भाई, आपको लगाने हैं आप लगा सकते हो इतना पैसा। मेरी मानो तो स्किप कर दो विंडशील्ड पे, वो वहाँ पे आप अराउंड 1,500 रुपये बचा लोगे, एक वो चीज़ में आप स्किप कर सकते हो। और बाकी तो मेरे को लगता है सब सही प्राइस दे, उसका आपको अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा सस्ते में। USB चार्जर आप स्किप कर सकते हो, आप 300 रुपये बचा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, 300-400 रुपये उतना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 12,500 तक लेके जा सकते हो इसको। बट अगर आपको एकदम परफेक्ट वाला चाहिए काम, तो 14,000 रुपये लगने वाले हैं आपके इंक्लूडिंग डिलीवरी। सो या दैट्स इट, ये सब लगाने के बाद आपकी डोमिनार एकदम खतरनाक वाली टूरर एडिशन बन जाएगी। एंड माइंड इट, वेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आई थिंक वेट बढ़ेगा 3 से 4 किलो, बिकॉज वो बैक रेस्ट, वो जो टॉप रैक है और जो सैडल स्टे है, मुझे लगता है उसका ही वेट अच्छा खासा आने वाला है। और ये साइड साइड के कंपोनेंट्स आप जो लगा रहे हो, लेग गार्ड वगैरह लगा रहे हो, 4 किलो पकड़ के चलो। ऑलरेडी गाड़ी 180 kg है, 250-184 तक तो जाएगी, और जो दूसरी वाली डोमिनार 400 है आपकी, 187 है, तो उसको तो 190 पकड़ ही लो खुशी खुशी। तो ये कौन है बस इसका कि वेट बढ़ने वाला है आपकी गाड़ी का, बाकी परफेक्ट है। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं सब्सक्राइब करने जल्दी बोल नहीं रहा हूँ आजकल वीडियोज़ में, और मैं देख रहा हूँ सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब्ड हैं। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बस ठीक है, बाय बाय।